सम्मा कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से रिकॉर्डिंग स्टूडियो हरिओम स्टूडियो मन्नू यादव हमारे बड़े भाई के देखरेख में ये गीत मैं गा रहा हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बेटा राहुल यादव भी इस गीत में आया हुआ है, बैठा हुआ है लड़का। और हमारे म्यूजिक छोटू एंड पार्टी, हम गए कलाकार श्री भगवान यादव बागी पहाड़पुर चिलकहर बलिया की धरती से। ये गीत जा रही है सुखवीर साहब हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब ने बहुत जो है कि हमको धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा है कि बागी जी इस गीत को जरूर देना। डॉक्टर इंदिरा सेन यादव जी का भी कहा नाम है, तो कहा नाम बा काहे के जरावे ला, काहे के जरावे ला सोने के चिड़ैया के, काहे के जरावे ला विद्यार्थी भाइयों से कह नाम है। पेपर में आता है परीक्षा में लिखने के लिए कि कौन से युग में समुद्र का मंथन हुआ था, कितने रत्न निकले थे, क्या चीज का उसमें मंथनी लगी थी, क्या चीज के रस्सी से समुद्र को मथा गया था। कवि की खोज है क्या? सात युग में भाइल रहे सागर के मथाना, समुद्र हमके चौदह रतनावा, मांगे अपन ही साताबा गर्दन कटावे सोने का चिड़ैया के, काहे के जरावे ला लोगों। सुन लीजिए, अपने आप अंतर आप लोग निकाल लीजिएगा। कुछ लोगों को कह नाम है कि भाई श्री भगवान बागी जी ज्यादा पर्दा में होना चाहिए, तो भैया हम लोग खुल्लम खुल्ला मंच पर गाने वाले हैं, चाहे गोली चले, चाहे भल्ला चले, चाहे छारा चले, ये मर्द का सीना है। अपना हक मांगने के लिए हमने ललकार कर बोला है तो हमने कोई गलत नहीं कहा है क्या? झूठी बयर से बाचल भैया का परानावा, मेघनाद मरले रहल रण में शक्ति बनावा, आप लोगों ने सुना था भगवान राम सेवरी के घर जब जंगल से गए, घर से जब जंगल को वनवास हुआ, सेवरी ने मीठी मीठी बैर चुन कर लाई है मेरे मित्रों। इतना प्रेम, बारे प्रेम, प्रेम में मीराबाई कृष्ण के वियोग में पागल बन करके विष पी लिया था, बारे प्रेम। आज भगवान राम सेवरी की जूठी बैर को खाए मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाई।
छोटू ढोलक वाले हमारे मित्र दुर्गेश, हमारे बेटा, भगवान करें आपका दिन दूना रात चौगुना हो, मुन्ना बिंजू पर लय आपकी और बनी रहे हमारे पार्टी मित्रों की। ए भैया, उसी बैर को लक्ष्मण जी ने खाया नहीं, फेंक दिया, वो बैर चली गई हिमालय गिरी पर्वत पर, जाकर संजीवनी बूटी बनी, और वो भैल का मेघनाद मरल रहल रण में शक्ति बनावा। सेवरी के कुल में काहे गोलिया चलावे लो, सोने का चिड़ैया के काहे के जरावे ला। उसी झूठी बैर से लक्ष्मण जी का प्राण बचा, हनुमान जी गए उड़ करके और लेकर के आए, सुसेन वैद्य जी ने उनको पीस कर पिला करके जिंदा किए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को संहार किए। अब रामायण से अब महाभारत की तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ। क्या मेवा मिष्ठान छोड़ी सागर रोटी खैले, भगवान को दुर्योधन ने निमंत्रण दिया था, मेवा मिष्ठान 56 प्रकार का भोग ले आया था अनिल भोजपुरिया जी, लेकिन भगवान नहीं खाए। भगवान विदुर जी के घर जा कर के साग और रोटी खाए। कही भैया हम सच्चाई कहते हैं तो कौन गलती कहते हैं। भैया लोग कहेला कि श्री भगवानवा अंड के बंडे बोलेला, काशी एमएलसी अंड के बंडे गावेलन, तो भैया हमनी के खानदानी यही रही जा, हमेशा सीना तान के चले वाला हई जा, गावे वाला हई जा, चाहे बलिया के सुरेंद्र हमारे बड़े भाई हो, चाहे परशुराम यादव हमारे बड़े भाई भीष्म पितामह बिरहा के, चाहे श्री भगवान यादव बागी पहाड़पुर बलिया वाला, हम लोग पीछे कदम हटाने वाले नहीं हैं। और वही भगवान जा करके चेता चमार घर खिचड़ी बनाए, चेता चमार के घर पे जा करके भगवान खिचड़ी भी खाए। और देखिए दुर्योधन को अपने ही कुल में अपने ही भाइयों को जो भवन लच्छा गृह बनाया गया था, आपने महाभारत में पढ़ा होगा, टीवी सीरियल पर देखा होगा। अरे मेरे साथियों, तो मैं कौन सी गुनाह कर रहा हूँ, बता रहा हूँ सच्चाई। तो कह नाम है बारे मामा शकुनी, कैलस का शकुनी, वो इसने शकुनी आज के जमाना में बहुत हवन सा। ए शकुनिन से कह नाम बाका, लच्छा गिरी में काहे अगिया लगावे ला, सोने का चिड़ैया के काहे के जरावे ला। ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत देश आज गरीब देश में इसकी नाम आ रहा है। YouTube पर भी मैंने देखा लिखा गया है कि 20 देशों में से
कौन सा ऐसा देश है जो बहुत गरीब है, पहला नंबर पर हमारे हिंदुस्तान का नाम लिखा गया है। यूट्यूब वाले भी, गूगल चैनल वाले भी कभी कभी ऐसा चीज भेज देते थवन, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जात बा। कह नाम बा का हृदय नारायण बाला का सियावयागे, हृदय नारायण बाला कवि गुरु एमएलसी काशीनाथ जी आगे आना पड़ेगा। जैसे पहले आप चलते थे, पहले एमएलसी थे, अब की बार भी हमारी इच्छा है कि हम अपने बड़े भैया को एमएलसी के पद पर जरूर बैठाएंगे। और भैया परशुराम पंडित जी बिरहा में विद्वान हमारे बड़े भाई के दर्जा बहुत प्यार देते हैं, हमारे से बिरहा 3-4 बार तो हुआ है लेकिन बहुत प्यार दुलार देते हैं हमको। लेकिन भैया परशुराम अब जाग गई ले भागे, परशुराम जी अब हम लोगों की भाग जागने वाली है, समय नजदीक आ गया है। तो कह नाम है श्री भगवान यादो गीतिया के गावे सोने के चिरैया के काहे के जरावेला।